हेलो एवरीवन, वेलकम टू शोन्स आई एस। मैं हूँ शिवांगी शर्मा और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़। तो जो सबसे पहला सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के नाइन्थ क्लास की इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। सो हियर वी आर, सो लेट स्टार्ट द चैप्टर। ठीक है, तो हम बेसिक ओवरव्यू पढ़ने वाले हैं, मतलब मैं आपको चैप्टर एक एज अ स्टोरी सुनाने वाली हूँ, राइट। तो हियर इज़ द ओवरव्यू कि इस चैप्टर में ना हम बेसिकली पढ़ने के वाले हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन थ्रू अ हाइपोथेटिकल विलेज। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है इमेजिनरी, थ्रू अ इमेजिनरी विलेज, ठीक, कॉल्ड पालमपुर। ठीक है, पालमपुर है विलेज का नाम। सो सबसे पहले हमें पता चलता है कि फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। जो सबसे मेन एक्टिविटी है वो पालमपुर में, वो है फार्मिंग। उसके अलावा छोटी छोटी एक्टिविटीज़ एक स्मॉल स्केल में हमें देखने को मिलती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, ब्रीडरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। ठीक, तो पालमपुर एक वेल कनेक्टेड विलेज है थ्रू इसके नेबरिंग विलेजेस और टाउन्स के साथ। रायगंज जो है वो नियरेस्ट बिग विलेज है, विच इज़ अबाउट 3 किलोमीटर हुए। उसके अलावा जो नियरेस्ट टाउन है, स्मॉल टाउन है, वो है शाहपुर जो। ठीक है, तो जो पालमपुर है उधर रोड काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है, मतलब काफ़ी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड है पालमपुर के लोगों को रोड के पर्सपेक्टिव में। तो ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रांसपोर्ट हमें विजिबल है वहाँ के रोड में, वो है बुलोक कार्ट, टांगास, बुग्गे जैसे, जो जो एनिमल के जो बेसिकली एनिमल खींचते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो मॉडर्न व्हीकल्स है, जो मोटर व्हीकल्स हैं, वो है मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर एंड ट्रक्स। ठीक, यहाँ पे है, अब हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन के बारे में। तो विलेज में अबाउट 450 फैमिलीज़ है, जिसमें से 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ है। उसके अलावा जो एससी और जो दलित कास्ट है बेसिकली, वो 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन कंप्राइज करती है, विच इज़ अबाउट 150 फैमिलीज़। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं कि जो विलेज है उधर ना इलेक्ट्रिक कनेक्शन है ऑलमोस्ट हर घर पे, सारे घरों पे नहीं बट ऑलमोस्ट। ठीक है, तो उसके अलावा स्मॉल अलग अलग तरह के ना स्मॉल बिजनेस देखने को मिलते हैं हमें विलेज में। दो प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल भी है। प्राइमरी स्कूल और अप टू 6 और हाई स्कूल इज अप टू टेंथ स्टैंडर्ड। ठीक है, उसके अलावा एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है जो गवर्नमेंट ओन करती है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है। तो इन सब पर्सपेक्टिव को देख के हमें ये तो पता चलता है कि पालमपुर काफ़ी डेवलप्ड विलेज है, इतना पिछड़ा हुआ विलेज भी नहीं है पालमपुर। ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा था प्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले, सो हियर इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन है क्या बेसिकली? प्रोडक्शन का मतलब होता है वो चीज़ प्रोड्यूस करना, वो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करना जिसकी हमें ज़रूरत है, जो हमें चाहिए। तो उसके लिए चार बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है लैंड। सो अगर हमें प्रोडक्शन के लिए कोई फैक्ट्री सेटअप करनी है, या फिर मान लो जो चीज़ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बेसिकली रिलेटेड टू क्रॉप है, तो क्रॉप भी हम अब लैंड में ही उगाएंगे। जो फैक्ट्री सेट करनी है वो भी लैंड में ही होगी। ठीक है, और सेकेंड इज़ लेबर। मान लो आपने फैक्ट्री सेटअप कर ली, चाहे आपके पास लैंड है, ठीक है, उस लैंड में काम करने के लिए भी आपको लेबर की ज़रूरत होगी, उस फैक्ट्री में काम करने के लिए भी आपको लेबर की ज़रूरत तो पड़ेगी। सो द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड रिक्वायरमेंट आती है वो है फिज़िकल कैपिटल। फिज़िकल कैपिटल दो टाइप की होती है, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल कौन सी है? फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल जो काफ़ी सालों तक रहती है हमारे पास। फॉर एग्जांपल, जो टूल्स एंड मशीनरीज होती है, जैसे सपोज आप अगर खेत में काम करते हो तो एक ट्रैक्टर है या थ्रेशर है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप बोल रहे हो कि ठीक है इस वाली क्रॉप के लिए मैं ये वाला ट्रैक्टर यूज़ करो बट नेक्स्ट क्रॉप के लिए मुझे नया ट्रैक्टर खरीदना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता, राइट। एक ट्रैक्टर जो है वो काफ़ी ईयर तक काम करेगा। वहीं वर्किंग कैपिटल इसका अपोजिट होता है। वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल है जो अभी जो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ जो भी आप पर्टिकुलर चीज़ अभी प्रोड्यूस कर रहे हो वो सिर्फ अभी के लिए है, उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोडक्शन के लिए आपको नई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। इसके एग्जांपल है रॉ मटेरियल एंड मनी। आई होप अब इन एग्जांपल्स तो आप समझ ही गए होंगे कि इन हैंड होते हैं, मतलब अभी आप यूज़ कर लोगे, नेक्स्ट के लिए आपको और चाहिए। ठीक, उसके अलावा एक फोर्थ रिक्वायरमेंट है। अब देखो, मान लो आपके पास लैंड भी है, आपके पास लेबर भी है, आपके पास कैपिटल भी है। ठीक, अब इन तीनों को कंप्राइज करके जो चीज़ आपको प्रोड्यूस करनी है, आउटपुट निकालना है, उसकी नॉलेज और एंटरप्राइज को हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल, जो कि हमारी फोर्थ रिक्वायरमेंट है। ठीक,
तो किसी भी प्रोडक्शन, कोई भी प्रोडक्शन करना है उसके लिए हमें लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल को कंबाइन करना पड़ेगा, इसीलिए इनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फार्मिंग इन पालमपुर। तो सबसे पहले लैंड फिक्स्ड है, ठीक, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, लैंड इज़ फिक्स्ड। तो पालमपुर में जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि फार्मिंग मेन प्रोडक्शन है, 75% ऑफ द पॉपुलेशन वो फार्मिंग पे ही डिपेंड करती है, या तो वो फार्मर्स है या वो फार्म लेबरर्स है। ठीक है, पर एक बेसिक प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी टाइम से जो लैंड एरिया है जिसमें कल्टीवेशन होता है वो फिक्स्ड है, उसमें कोई एक्सपेंशन ही नहीं है, मतलब कोई बढ़त ही नहीं है। अब देखो 1960s के बाद से कोई बढ़त ही नहीं है, बट ऑफकोर्स पॉपुलेशन तो बड़ी होगी, पॉपुलेशन बड़ी होगी तो डिमांड भी बड़ी होगी। तो अब ऐसे क्या एस्पेक्ट्स हैं जिससे हम एक ही सेम लैंड में और ज़्यादा ग्रो कर सकें? इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? सो चलो देखते हैं, पढ़ते हैं। तो एक तो हमें ये पता चल रहा है कि पालमपुर के लोग रेनी सीजन में खरीफ क्रॉप, विंटर सीजन में राबी क्रॉप और साल में एक बार शुगर केन ग्रो करते हैं। मतलब वो एक ही साल में, एक ही लैंड में तीन डिफरेंट तरह की क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, अब ये इतना इजीली कर पा रहे हैं ये लोग, तो इसका मतलब है इसके पीछे एक रीज़न तो होगा, एक इसका मतलब है फैसिलिटी है, ये तो पता है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा कि एक वेल डेवलप्ड विलेज है पालमपुर, और इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी जल्दी आ गई थी, इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी जल्दी आ गई थी, तो इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स इंट्रोड्यूस हो गए विलेज में, जिससे इरिगेशन बहुत इजी हो गया, बहुत जल्दी लोग इरिगेट करने लग गए, मतलब एक इजी फैसिलिटी प्रोवाइड हो गई थी पालमपुर के लोगों को। ठीक है, तो ये एक मेन रीज़न था कि पालमपुर काफ़ी वेल डेवलप्ड एरिया था, ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छी थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि एक ही लैंड में, एक ही साल में बहुत सारी, मोर देन वन क्रॉप ग्रो करना मल्टीपल क्रॉपिंग होती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि मतलब हम चाह क्या रहे हैं, हमारा जो क्वेश्चन है वो यही है कि हम सेम ही लैंड से और ज़्यादा कैसे ग्रो कर सके। तो ये जो ट्रेडिशनल वे थे उसके अलावा मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को भी इंट्रोड्यूस किया विलेज में। ठीक है, ये कब हुआ? सो यहाँ पे हम पढ़ते हैं। तो जब तक लोग ट्रेडिशनल मतलब टिल 1960 जो लोग थे पालमपुर के, वो ट्रेडिशनल वे से ही अपने क्रॉप्स ग्रो कर रहे थे, जिसमें कॉडंको और नेचुरल मैन्योर को वो फर्टिलाइजर की तरह यूज़ कर रहे थे, जो खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, ऑफकोर्स उनके पास होते थे। ठीक है, बिकॉज दे वर नेचुरल। बट लेट 1916 में ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया के फार्मर्स में। तो जब ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ, उन्होंने वीट और राइस के लिए स्पेशली HYV सीड्स, HYV सीड्स मतलब हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड्स इंट्रोड्यूस करवाए। अब ये दावा कर रहे थे कि ट्रेडिशनल सीड्स के मुकाबले हम ज़्यादा अमाउंट ऑफ ग्रेन ग्रो कर सकते हैं HYV सीड्स के साथ। ठीक है, और अगर हम HYV सीड्स यूज़ करते तो ऑफ कोर्स हम सेम लैंड में और ज़्यादा ग्रो कर पा रहे हैं, और यही तो लोग चाह रहे थे पालमपुर की। ठीक है, बट HYV सीड्स जो है उनको प्लेनिटी ऑफ वाटर की ज़रूरत थी, केमिकल फर्टिलाइजर की भी ज़रूरत थी, और पेस्टिसाइड की ज़रूरत थी फॉर द बेस्ट रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो HYV सीड्स के लिए फर्टिलाइज़र की ज़रूरत थी, पेस्टिसाइड की ज़रूरत थी, और हाई इरिगेशन की भी ज़रूरत थी। ठीक है, जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। तो जब HYV सीड्स इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए, तो सबसे पहले पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के फार्मर्स थे जिन्होंने सबसे पहले HYV सीड्स को यूज़ किया। ठीक है, जब पालमपुर में जब लोग ट्रेडिशनल वेराइटीज़ यूज़ करते थे, तो अराउंड 1,300 kg पर हेक्टर उग जाता था। ठीक है, बट जब उन्होंने HYV सीड्स यानी हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड यूज़ करना शुरू किया, तो 32 kg पर हेक्टर, विच वॉज 1,900 kg इंक्रीमेंट। ठीक है, तो अब लोगों के पास सरप्लस वीट हो गया, तो वो मार्केट में जाके बेचने लग गए। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती थी वो ये थी कि क्या हमारी लैंड की सस्टेनेबिलिटी टिकेगी क्या? अब देखो, लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, और जब ग्रीन रेवोल्यूशन ने HYV सीड्स को इंट्रोड्यूस किया, तो हमें ये पता चला कि बहुत हमारी सॉइल में फर्टिलिटी का बहुत लॉस हो रहा है। ठीक है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा HYV सीड्स के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। ठीक है, तो ज़्यादा ग्राउंड वाटर यूज़ हो रहा था, अब ज़्यादा ग्राउंड वाटर यूज़ हो रहा है, हमारी अर्थ की, हमारी लैंड की फर्टिलिटी में भी लॉस है। तो ये कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज है, अगर एक बार डिस्ट्रॉय हो गए तो इनको फिर से रिस्टोर करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, तो हमें ध्यान से ये सब कुछ काम करना होगा। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं
वो है कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसी थी पालमपुर में, ठीक है, फार्मर्स के बीच में। तो जैसे हमने अभी पढ़ा कि 450 फैमिली थे अराउंड अराउंड, जिनमें से 150 फैमिलीज लैंडलेस थी, ठीक, क्योंकि वो दलित कास्ट थी, तो उनके पास कोई लैंड नहीं थी कल्टीवेशन के लिए। 150 इज़ अराउंड 1/3, हमने ऊपर भी पढ़ा ये, ठीक है। जो रिमेनिंग फैमिली है, रिमेनिंग फैमिली अबाउट 240 फैमिलीज, वो ये वो वाली फैमिली है जिनके पास 2 हेक्टर से कम लैंड है, ठीक है। तब ये वो लोग हैं जिनके पास 2 हेक्टर से कम लैंड है, तो वो हेक्टेयर से कम लैंड थी, वो ऑफकोर्स अपनी फैमिली वालों को मिला के अपनी जो लैंड है उसमें स्मॉल स्मॉल प्लॉट्स बना के अलग अलग चीज़ें कल्टिवेट कर लेते थे। तो अपनी ये लोग फैमिली मिलके कर लिया करते थे ये काम, ठीक है। उसके अलावा जो 60 बची हुई फैमिली है वो मीडियम और लार्ज फार्मर्स है, ठीक है, जिनके पास 2 हेक्टेयर लैंड से ज़्यादा ज़मीन है। कुछ उनमें से कुछ तो ऐसे भी है जिनसे 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीन है। अब देखो कितनी अनइक्वली लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये तो हमें देखने को यहीं पे मिल रहा है, मतलब लैंड अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है पालमपुर में। अब लेबर कहाँ से आएगा, लेबर कौन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, पढ़ते हैं। अब लैंड के बाद लेबर एक नेसेसरी फैक्टर है प्रोडक्शन के लिए, जैसे हमने ऊपर पढ़ा। तब देखो फार्मिंग में ना थोड़ा हार्डवर्क की ज़रूरत होती है, तो जो छोटे छोटे फार्मर्स थे जिनके पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन, मतलब जिनके पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन थी 2 हेक्टर से कम, वो तो खुद ही अपने फैमिली मेम्बर्स को के साथ ना अपनी लैंड में कल्टिवेशन कर लिया करते थे। बट अब जिनके पास 10 हेक्टर से ज़्यादा ज़मीन है, वो मतलब जिनके पास 2 हेक्टर से ज़्यादा ज़मीन है, इस ऐसे ऐसे में क्या करते थे कि जो मतलब बहुत ही जिनके पास ज़मीन नहीं थी ना, जो लैंडलेस लोग थे, वो उन बड़े फार्मर्स के पास जाकर काम किया करते थे, ठीक है। तो जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स थे वो हायर करते थे लेबर को उनकी फील्ड में काम करने के लिए, ठीक है। अब देखो अब जब लेबर उनके फील्ड में काम कर रहे हैं तो उसके बदले में उनको वेजेस मिलते थे, ठीक है। वेजेस या तो कैश हो सकता है, या तो किसी टाइप का क्रॉप भी हो सकता है, या मेटल हो सकता है, मतलब जिन भी चीज़ की उनको ज़रूरत थी, ठीक है। तो ऐसे वो उनको पे किया करते थे बदले में। अब यहाँ पे देखो हमने ये पढ़ा कि अराउंड 150 लोग वो है जिनके पास लैंड है ही नहीं, तो ठीक है, अब वो तो लोगों के पास जाके काम करेंगे। अब 150 फैमिलीज, सॉरी नॉट लोग, बट 150 फैमिलीज। अब देखो इतना कॉम्पिटिशन है, मतलब इतने सारी फैमिलीज है जिनके पास लैंड है ही नहीं, वो लोगों के पास जा जाके काम कर रही हैं। तो अब जब इतने सारे लोग हैं वो दूसरों की लैंड पे जाके काम कर रहे हैं, अब उनको तो ऑफकोर्स कम वेज मिलेगा, समझ रहे हो आप, मतलब क्योंकि इतना कंपटीशन है कि वो लो वेज में भी काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि अगर वो मना करेंगे तो उनको कोई और मिल जाएगा, ठीक है, मतलब काम करने के लिए। तो इसलिए चाहे अगर कम ही उनको पैसा मिल रहा है, वो तैयार थे काम करने के लिए, ठीक है। अब हमने ऊपर पढ़ा कि फार्मिंग में मतलब किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए हमें कैपिटल की ज़रूरत होती है, तो फार्मिंग में भी है। अब फार्मिंग में ना थोड़ा ज़्यादा कैपिटल चाहिए, बिकॉज़ हमें उसमें फर्टिलाइजर्स भी डालने हैं, हमें उसमें मशीनरीज भी चाहिए, ठीक है। अब देखो जो बड़े फार्मर्स थे वो तो अब जो छोटे फार्मर्स थे सॉरी वो क्या करते थे, अपनी कैपिटल को पूरा करने के लिए जो लार्ज फार्मर्स थे या विलेज के मनी लैंडर्स थे ना, उनसे पैसे उधार ले लेते थे ताकि वो अभी अपनी क्रॉप को उगा सके, ठीक है, समझना। और वो जो मनी लैंडर्स या लार्ज फार्मर्स थे वो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर सॉरी इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे, मतलब जो वो पैसे लेते थे उसमें उनको काफ़ी हाई इंटरेस्ट देना पड़ता था। तो अब जो भी लैंड जो भी वो कल्टीवेशन कर रहे हैं उनको उनको बेच कर जो भी उनके पास पैसा आता था वो ना वो इंटरेस्ट चार्ज करने में ही लग जाता था, और इस तरह का ना एक सर्कल बन जाता था, मतलब लोन लो, अपनी क्रॉप उगाओ, उसको बेचो और वो लोन पे करो विद हाई इंटरेस्ट। तो इस तरह के सर्कल में ना जो स्मॉल फार्मर्स थे वो फंस जाते थे, और बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में जो बड़े फार्मर्स थे उनके पास तो सेविंग्स ही सेविंग्स होती थी, ठीक है, उनके पास क्योंकि इतना वो कल्टीवेट कर रहे हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा ज़मीन है, वो बेच कर ना उनके वो थोड़ा अपने घर के लिए भी रख लेते थे और बेच भी देते थे, तो उनके पास बहुत ज़्यादा सेविंग्स थी, मतलब उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी इस चीज़ के लिए। तो अगला सेक्शन है सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। अब लोग क्या करते थे, मतलब जो लोग इन द सेंस जो बड़े फार्मर्स थे वो इतना उनके पास ना इतना मतलब फार्म प्रोडक्ट हो जाता था, इतना क्रॉप हो जाती थी कि वो थोड़ा सा बचा ले, वो जितना उनकी फैमिली के लिए चाहिए उतना रख लेते थे, बाकी सारा बेच देते थे मार्केट पे, ठीक है। तो वो इस तरह से जो सरप्लस था, सरप्लस का मतलब है जो ज़्यादा था, जो जिनकी उनको ज़रूरत नहीं थी, मतलब अपनी फैमिली के कंजप्शन के अलावा जो ज़्यादा था वो मार्केट पे जाके बेच देते थे। तो ऑफकोर्स उनके पास एक और सोर्स हो गया था, ठीक है, उनके लिए
इनकम का, कि अपनी जितनी उनको चाहिए उतनी रखो, उसके अलावा बाकी वो बेच देते थे अपनी मार्केट पे जाके। तो कुछ फार्मर्स क्या करते थे, वो अपनी सेविंग्स को यूज़ कहाँ करते थे, ऑफ कोर्स हमने पढ़ा कि कैपिटल की ज़रूरत होती थी, उसमें से कुछ जो जिनको कैटल्स की ज़रूरत है, उन ट्रक्स की ज़रूरत है या फिर शॉप्स खोलनी है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था कि 75% लोग हैं, ठीक है, 75% लोग हैं जो फार्मिंग पे डिपेंडेंट है, बट बचे हुए 25% लोग अलग काम करते हैं, ठीक है। तो अब उन नॉन फार्म एक्टिविटीज़ को पढ़ लेते हैं जो पालमपुर में थी, ठीक है। तो जैसे हमने पढ़ा कि ओनली 25% ऑफ द पीपल वर्किंग इन कैपिटल आर एंगेज इन एक्टिविटीज़ अदर देन एग्रीकल्चर, ठीक है, पढ़ लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट है डेयरी, द अदर कॉमन एक्टिविटी। डेयरी इज द कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिली इन पालमपुर। ऑफ कोर्स विलेजेस में डेयरी एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, लोगों ने घर पे जानवर पाले होते हैं, उनका दूध उनका चीज़ें वो बेच कर भी पैसे कमाते थे, ठीक है। वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज, और मिल्क से और भी अलग अलग चीज़ें बनती है जो बना के वो बेच सकते थे, ठीक है। सो डेयरी के अलावा जो नेक्स्ट चीज़ थी वो थी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। पालमपुर में स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी होती थी। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग वो है जिसमें लेस देन 50 पीपल होते हैं, लेस देन 50 पीपल, ठीक है। तो जब हम जो पालमपुर का स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग था वो ना इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था, काफ़ी सिंपल प्रोडक्शन मेथड थे उसमें। तो लोग लेबर ना बहुत ही रेयरली हायर करते थे, अपने घर के लोग मिलके जो भी मैन्युफैक्चरिंग थी वो करके फिर उनको बेच देते थे, मतलब एक वो सोर्स था लोगों के पास। उसके अलावा शॉपकीपर्स, अब पालमपुर के लोग ऐसा करते थे, वो जो मार्केट है ठीक है, वहाँ से चीज़ें होलसेल में ख़रीद के मार्केट में आके बेच देते थे जैसे नॉर्मल शॉपकीपर करते हैं। तो यहाँ पे ना जो भी बेसिक चीज़ें चाहिए होती जैसे राइस, व्हीट, शुगर, ऑयल, बिस्किट, सोप, नोटबुक, पेन, पेंसिल एक्सेट्रा, और कुछ क्लॉथ्स भी। और कुछ कुछ शॉपकीपर ऐसे भी थे जो ईटेबल्स बेचते थे, ईटेबल्स इन द सेंस जैसे हम लोग खाते हैं ना चिप्स एंड ऑल, वो सब कुछ भी बेच दिया करते थे। तो शॉपकीपिंग भी एक मतलब नॉन फार्म एक्टिविटी थी पालनपुर में। उसके अलावा जो लास्ट टॉपिक है और लास्ट नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है पालनपुर में, वो है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट एक बहुत ही फास्ट डेवलप होने वाला सेक्टर बना, क्योंकि हमने जैसे पढ़ा रिक्शा वाला, टोंगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स, पीपल, मतलब ये सब कुछ, ये बुलोक कार्ट हो गया, बग्गे हो गए, ये सब कुछ ना बहुत ही जल्दी ग्रो हुआ। लोग ऐसा करते थे कि इधर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, मतलब लोगों को जाना हो या सामान लादने के लिए, इन लोगों का यूज़ करते थे, बदले में उनको मतलब ये ऑफ कोर्स पे करेंगे अपना, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट था जो था वो लास्ट कुछ ईयर में ना सबसे जल्दी ग्रो होने वाला सेक्टर बना। तो यस, हेयर इज इट फॉर योर चैप्टर एंड द वीडियो एज वेल। अगर आपको पसंद आएगा तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, एंड हम ऐसी एनसीईआरटी जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।